Welcome learners to One Academy. So in this video I'm going to tell you the tips and tricks to get all India rank below 100 in GATE CSIT. तो अगर आपको all India rank below 100 चाहिए GATE exam में तो आपको ये tips and tricks definitely follow करने चाहिए जो मैं आपको इस video में बताने वाली हूँ. तो one by one आप इसको सुनिएगा और समझिएगा till the end of the video. सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है concept. अगर आपकी concept clarification अच्छी है तो ही आप आगे चल करके किसी भी क्वेश्चन को सही सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं अच्छी होगी तो आपका जो टेस्ट सीरीज देना, पीवाईक्यू देना, सब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पीवाईक्यू सही नहीं होंगे, पीवाईक्यू सही नहीं होंगे, फिर कंसेप्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ रीडू द फर्स्ट स्टेप को पहले ही अगर हम अच्छे से कंप्लीट कर लें तो सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में आकर के आपको परेशानी नहीं झेलनी होगी. तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन अच्छी हो इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जो रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए. अब रिसोर्स बेस्ट कैसे, वो कैसे पता चलेगा? तो आप किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए या फिर आप बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए जो ऑब्वियसली लिस्टेड आउट होती है. मैंने भी एक वीडियो बनाया है बेस्ट बुक्स का, आप उसको रेफ़र कर सकते हो और उन बुक्स को परचेस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर बुक्स की भाषा आपको समझ नहीं आ रही है, आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब स्टूडेंट्स के पास टाइम कम और टाइम कम होता है. सेल्फ स्टडी करना होता है, डाउट्स क्लियर करने वाला कोई नहीं है, फिर कोई गाइड करने वाला नहीं है. कभी कभी स्टूडेंट बुक्स को परचेस कर लेते हैं, इररेलेवेंट टॉपिक्स भी पढ़ने लगते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या रेलेवेंट है गेट के लिए क्या नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर नॉट टीचर. सो इसलिए उनको उस वक्त एक टीचर की ज़रूरत होती है. और इसलिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत ज्वाइन कीजिए, आप उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जिसने लास्ट ईयर में अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं और जिनका सच में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अच्छा है. अब सिर्फ रैंकर देख करके मत जाइए, आप ये भी देखिए कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाया हुआ चीज़ है, फ्री कंटेंट, वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, वो रिलेट हो पा रहा है कि नहीं, क्या टीचर फ्री क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा है कि नहीं, क्या आप उनको समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या उनके पढ़ाए हुए कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं. फ्री क्लासेस में इतना चेक कीजिए, फिर अगर आप कॉन्फिडेंट है देन गो फॉर द पेड सब्सक्रिप्शन. आप अन अकेडमी का भी ले सकते हैं, अन अकेडमी के टीचर्स को देख करके आप मेरा फ्री कंटेंट देख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है देन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. दूसरी बात ये है कि कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन आपकी 100% अन अकेडमी के कोर्सेज से हो जाएगी. ओके, दूसरी बात ये है कि आप टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए. टेस्ट सीरीज परचेस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप कोई कंसेप्ट को कवर करते हो जैसे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फिर उस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है. और एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 10 क्वेश्चन. आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, कंसेप्ट पूरा विदाउट डाउट, और अब आप उस पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. पीवाईक्यू अलग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लास्ट 20 ईयर्स के सॉल्व करने ही है, पर एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चन कम से कम भी आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि आपके ऑल इंडिया रैंक 100 बिलो आ सकती है. दूसरी बात ये है कि कंसेप्ट हो गया, प्रैक्टिस की बात होगी, लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यू तो करना ही है. तीसरी बात ये है कि आपको रिविज़न करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं. अब आप एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स कितने लेंथ का होना चाहिए. तो A4 साइज़ पेपर आप अज्यूम करें, A4 साइज़ पेपर का जो 1/4 सेक्शन है उसके इक्वल होना चाहिए एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, उससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा कर लोगे ना तो बहुत ही लेंथी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं वो लॉन्ग नोट्स ही लगने लगेंगे. इसलिए मेक श्योर दैट कि आप एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लास्ट 20 ईयर्स की PYQ सॉल्व करें और उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें जो A4 साइज़ का 1/4 होना चाहिए. बट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने से पहले आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स को फिर शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है. शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है कंसेप्ट जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट डायग्राम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो की पॉइंट होता है वो. शॉर्ट नोट्स में लैंग्वेज नहीं लिखना है. लॉन्ग नोट्स में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल्ड वे में करें. लॉन्ग नोट्स में आप जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आप लिखें एकदम प्रॉपर तरीके से, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें. एक टॉपिक को कितने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ा, PYQ सॉल्व किया, फिर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स बनाया, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक टॉपिक को कवर करने में आपको 2 घंटे मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम आपको कितने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग.
तो मैक्सिमम चलो एक दिन मान करके चलते हैं हम, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। तो मिनिमम आपको 2 घंटे लगते हैं, फिर 2 घंटे के बाद आपने 10 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस किए 1 घंटे, लास्ट 20 ईयर्स के PYQ सॉल्व किए 1 घंटा, फिर लॉन्ग नोट्स बनाए 1 आवर, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए 1/2 घंटा। तो कुल मिला करके कितना हो गया, 4, 4.5 घंटे समझ करके चलिए कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 5 आवर्स लगेंगे, और एवरी डे आपको 5 आवर्स देने चाहिए एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अगर एवरी डे आप ये मान करके चलो मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, तो चाहे 5 घंटे से थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग जाए, गिव इट ना, अपने लिए तो दे रहे हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर आप दे देते हो एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली दो, ठीक है। तो मिनिमम आपको 5 घंटे लगेंगे एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम आपको 2 डेज। अब बात आती है कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, PYQ सॉल्व कर लिया, रिवीजन शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब उसको रिटेन अपने माइंड में कैसे करें गेट एग्ज़ाम तक। तो जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसका सबसे गहरा सबूत है A4 साइज़ का वो 1/4 सेक्शन, जहाँ पे उसको आपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप उस 1/4 सेक्शन को एवरी वीक रिवाइज करो टिल गेट एग्ज़ाम, ताकि वो आपके माइंड में बना रहे। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को टिल गेट एग्ज़ाम तक फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एक और बात कि अगर आप कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो अभी 9 मंथ्स का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 15,000 पे अवेलेबल है, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो आपका आज तक अवेलेबल है, जिसमें कि मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको 2000 में मिल जाएगा आज, जो ऐसे 4000 है, और DBMS का कंप्लीट कोर्स भी 2000 में आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज मेरे अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज आपको 1500 में मिल जाएगी गेट CSIT की, ओके, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये सारे ऑफर्स आज तक ही अवेलेबल है, यूज़ करें रेफरल कोड HelloSonu01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। इनफैक्ट मैं जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ सबके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाती हूँ, जहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन करेंगे तभी जब आप रेफरल कोड HelloSonu01 का यूज़ करेंगे। थैंक यू।